भारत हा शांतिपूर्ण देश आहे, आपल्या जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, भारतानं कधीच कोणावरती आक्रमण केलेलं नाही, आम्ही चोख प्रत्युत्तर देण्यामध्ये सक्षम आहोत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठणकावून सांगितलेलं आहे। देशातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक होत आहे, त्यापूर्वी मोदींनी गलवान खोऱ्यातील संघर्षावरती भाष्य करून शहीदांना आदरांजली वाहिलेली आहे। या क्षणाची मोठी बातमी आपण पाहतो आहोत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलेलं आहे, जवानांचं बलिदान हे व्यर्थ जाऊ देणार नाही, जशास तसे उत्तर देण्यासाठी भारत सक्षम असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। अवघ्या देशवासियांचं लक्ष लागलेलं होतं की भारत आणि चीन सीमेवरती झालेल्या हिंसक कारवायानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय भूमिका घेतील, काय वक्तव्य करतील, त्यानुसार हे अत्यंत महत्त्वाचं वक्तव्य, आम्ही चोख प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम आहोत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। भारत हा शांतिप्रिय देश आहे। दरम्यान काय म्हटलेले आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाहूयात। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है, हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है, और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते